रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका एक बहुत ही प्यारी और गुणी लड़की थी। उसे हमेशा से ही साफ सफाई का बहुत शौक था। वो अपने माता पिता के साथ बेलापुर नाम के छोटे से गांव में अपनी माँ रमेला और पिता सत्तू के साथ रहा करती थी। उनके गांव में अभी तक शौचालय की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ज्यादातर लोग शौच करने बाहर जाया करते थे। राधिका को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन, अरे लाडो जल्दी आए इधर। जी माँ जी, अभी आ रही हूँ। जरा मेरे हाथ तो धुलवा दे बेटा। माँ आप जानती है ना कि खुले में शौच जाना कितनी बुरी आदत है, आप समझती क्यों नहीं? अरे बेटा अब क्या करे, आदत ही ऐसी हो गई है। देखो माँ, हमारे घर में शौचालय है तो प्लीज आप उसमें जाया करो, ऐसे बाहर नहीं। लेकिन तू कहती है तो कल से चली ही जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, खुद भी स्वच्छ रहो और बाकी सबको भी रखो। एक दिन उसके लिए बंसी नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। उसके घर में उसकी माँ माला और पिता हरि थे। दोनों परिवार वाले मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। बस अब क्या था, हो जाती है हमारे बंसी और राधिका की शादी अगली सुबह 4 बजे। अरे छमछम राधा रानी, जल्दी उठ जा, जाना नहीं है क्या? जी माँ जी, कहाँ जाना है इतनी सुबह सुबह, कोई रसम है क्या? वो घर में शौचालय नहीं है तो इस वक्त गांव की सभी औरतें बाहर जाती हैं। माँ जी देखिए, सुबह सुबह मजाक मत कीजिए मेरे साथ। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, जल्दी उठ जा समझी। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। राधिका शौचालय ना होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हर सुबह 4 बजे उठकर गांव की लोटा पार्टी औरतों के साथ उसे जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या हम अपने घर में शौचालय नहीं बनवा सकते? घर के अंदर शौचालय? अरे पागल हो गई है क्या, घर में गंदगी लाएंगे? आखिर कैसी रीत माँ जी, खुले में लोटा लेकर बैठ जाना, भला कहाँ की समझदारी हुई? अरे तो तू क्या चाहती है, 4 दीवारी का छोटा सा कमरा बनाकर उसमें बैठ जाऊं? हाय बदबू से मर नहीं जाऊंगी। अरे घर में चूल्हा जलता है, वहाँ शौचालय, सोच कर भी बड़ी घिन आती है। इसमें गंदा ही क्या है माँ जी, पूरे गांव के सामने जब झाड़ियों के पीछे बैठ जाते हैं, आते जाते लोग सीटियां मारते हैं, तब आपको घिन नहीं आती? अरे तू अपना ज्ञान अपने पास रख, सास हूँ तेरी। हाँ तो मैं भी इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे लिए ये घर बिल्कुल अपवित्र है, और जब तक गांव में शौचालय नहीं बन जाता मैं घर वापस नहीं आऊंगी। तभी वहां बंसी आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे माँ राधिका, क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? देख ले बेटा, तेरी बीवी क्या कर रही है, कहती है घर में शौचालय बनवाओ। तो गलती क्या कह दिया मैंने? शर्म तो है नहीं, जो मन में आया बके जा रही है। शर्म तो गांव की किसी भी औरत में नहीं बची है, मर्दों का क्या है, जब दिल किया कहीं भी खड़े होकर हो गए फ्री। सारी लाज हया शर्म तो सिर्फ औरतों को ही आती है ना, मर्दों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। राधिका इतना गुस्सा मत करो, मैं घर में शौचालय बनवा दूंगा यार। ओहो बस बस, बहुत बोल लिया तुम दोनों ने, घर में शौचालय नहीं बनेगा, गांठ बांध लो ये बात। हाँ तो फिर बस, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। अब बात स्वच्छता की नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान की भी है, और जब तक शौचालय नहीं तो घर में बीवी भी नहीं।
इस तरह राधिका अपने सम्मान और स्वच्छता की खातिर घर छोड़कर चली जाती है। बंसी अपनी बीवी राधिका को मनाने की बहुत कोशिशें करता, पर वो वापस नहीं आती है। ऐसे ही एक दिन वो गांव में पंचायत बुलाता है और कहता है, सरपंच जी, मेरा ये मानना है कि आपको गांव में एक शौचालय बनवा देना चाहिए। अरे पागल हो गया है क्या? हमारे पुरखों से चली आ रही परंपरा को मिट्टी में मिला रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? जी शर्म कैसी, अब तो हर घर हर गली में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप घर घर जाकर शौचालय बनाए। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ मालिक कि एक सरकारी शौचालय बनवा दो। अरे तू ज्यादा कानून मत झाड़, क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे सब पता है। तो मैंने गलत क्या कहा है? मैं तो गांव की सारी औरतों की भलाई के लिए ही सोच रहा हूँ, सबकी इज्जत का ख्याल है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ भैया, हम तो अपनी लोटा पार्टी में बहुत खुश है, हमें नहीं चाहिए कोई शौचालय। अरे अब तो समझ आ गया ना कि क्या चाहते हैं गांव के सभी लोग। अब अपनी ये बकलोलबाजी बंद कर दे और दफा हो जाए यहाँ से। मेरी बीवी घर वापस आए या ना आए सरपंच साहब, पर मैं इस गांव में शौचालय ला के ही दम लूंगा, चाहे मुझे अपने आप को ही बेचना क्यों ना पड़ जाए। इतना कहने के बाद बंसी वहां से चला जाता है। सभी गांव वालों से एकजुट होकर मदद करने की अपील करता है, पर कोई उसका साथ नहीं देता है। उसके परिवार वाले उसकी जिद के चलते उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, पर बंसी अपना इरादा नहीं बदलता और अर्जी लेकर जिला पार्षद के दफ्तर जा पहुंचता है और सारी बात बताता है। उसकी अर्जी पास भी हो जाती है, पर जब कुछ लोग गांव में शौचालय बनाने आते हैं तो गांव वाले उन्हें मार पीट कर वहां से भगा देती हैं। फिर से गांव की पंचायत बिठाई जाती है। अरे ओ बंसी, क्या तमाशा लगा रखा है ये तूने? हमने कहा था ना ज्यादा कानून बाजी मत सिखा, अब देख तेरे साथ क्या होता है। भीड़ में से कुछ लोग हाथों में डंडा लिए बंसी की तरफ आते हैं और उसे बहुत मारते हैं, जिसके कारण उसे काफी चोटें आती हैं। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो खड़ा होता है और दर्द से कराहता हुआ सभी लोगों से कहता है, अरे गांव की जिस मिट्टी को माँ समझकर पूछते हो उसी को अशुद्ध कर रहे हो, जिस नदी के जल से अपने पशुओं को पानी पिलाते हो उसे दूषित करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे घिन आती है मुझे आप जैसे लोगों पर, जिनको अपनी ही स्वच्छता का जरा भी ख्याल नहीं है और ना जाने कैसे कैसे अंधविश्वासों को पाला हुआ है। छी। बंसी की बात सुनकर सभी गांव वालों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। सबको अपनी गलती का एहसास होता है और स्वच्छता की इम्पोर्टेंस भी समझ आने लगती है। इस तरह बेलापुर गांव स्वच्छ भारत अभियान को अपना लेता है। अब तक जो लोग बंसी का विरोध कर रहे थे वो भी उसका समर्थन देने लगते हैं। कुछ ही समय बाद गांव के हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। बंसी की बीवी राधिका भी अपने ससुराल वापस आ जाती है। उसकी सास माला अपनी बहू से माफी मांगती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। नम्रता की शादी कुणाल से हो जाती है। नम्रता घर आती है और उसकी मुंह दिखाई पर उसकी सास कृष्णा उसे नेकलेस देती है। तभी नम्रता को पता चलता है कि दोनों की पसंद एक ही है और नम्रता बोलती है, मम्मी जी ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आया तो मैंने तेरे लिए खरीद लिया। अच्छा ये बता, तुझे और क्या क्या पसंद है? मुझे तो आराम करना पसंद है, एक बार भी आराम करने को नहीं बोला। क्या सोचने लग गई बेटा, ऐसा करो हाथ मुंह धोकर आराम कर लो। नम्रता फ्रेश होकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। नम्रता अपने कमरे में आराम कर ही रही होती है कि थोड़ी देर में उसकी सास उसके कमरे में जाती है। तभी नम्रता उठकर बैठ जाती है और कृष्णा उसे रोकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, बाद में आती हूँ। मम्मी जी मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है, आओ ना बैठो मेरे पास आकर। हाँ याद आया, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुझे खाने में क्या पसंद है।
मुझे तो मम्मी गोलगप्पे, दही भल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, कढ़ी चावल, पनीर टिक्का। अरे अरे, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। हम दोनों की पसंद तो खाने में कितनी मिलती है। आप तो शक्ल से ही चटोरी दिखती हैं। सच में मम्मी जी, आपको भी ये सब कुछ पसंद है। बेटा आज क्या सब्जी बनाए? मम्मी जी पनीर बना देती हूँ फिर। अरे बेटा, आज तुमसे खाना थोड़ी बनवाएंगे, तुम कल से बनाना। अच्छा ठीक है, तो मैं भी आपके साथ किचन में चलूंगी। रात को कुणाल जब घर आता है, फ्रेश होकर खाना खाने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाता है, तभी कृष्णा अपने बेटे को खाना परोसते हुए बोलती है। कुणाल बेटा, नम्रता और मेरी पसंद बहुत मिलती है। वो कैसे मम्मी? जो मैंने बहू को नेकलेस सेट दिया था, उसको वो पहले से ही पसंद था, और जो खाने में इसे पसंद है वही मुझे भी पसंद है। ये तो अच्छी बात है मम्मी, अब तो आपको किसी भी चीज में परेशानी नहीं होगी। हाँ बेटा, ये तो है, हमारी पसंद सेम टू सेम है। लगता है तुझसे ज्यादा मुझसे बहू की पसंद मिलती है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद कृष्णा के पास उसकी बहन का कॉल आता है, तो उसको पता चलता है कि उसकी बहन की पोता हुआ है और उसने कुआ पूजन पर सभी को आमंत्रित किया है। तभी कृष्णा अपनी बहू से बोलती है, बहू मार्केट चलना है, मीना के पोता हुआ है, कुआ पूजन पर उसने सबको बुलाया है। जी मम्मी जी, कब का है कुआ पूजन और क्या लेकर चलना है बच्चे के लिए? बुधवार का बता रही थी, देखो क्या पसंद आता है, कल चलते हैं मार्केट, वहीं देखते हैं। दिन गुजर जाता है। अगली सुबह होते ही कुणाल को ऑफिस भेजने के बाद कृष्णा और नम्रता मार्केट जाते हैं और दुकान पर एक सुंदर से रोमपर पर कृष्णा की नजर पड़ती है और वो अपनी बहू से धीरे से बोलती है, बहू इसको क्या बोलते हैं? ये जो नीला सा कपड़ा लटक रहा है, बढ़िया लग रहा है। मम्मी जी वो रोमपर है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। भैया कितने का है ये रोमपर सूट? 2000 रुपए का है मैडम। 2000 का? साथ वाला तो 1500 का दे रहा था। तो आप पैसे ले लो, हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो आंटी जी। ये कलर नहीं था इसलिए नहीं लिया, मेरी बहू को यही पसंद आ रहा है। दुकानदार से बहस करती हुई कृष्णा को उसकी बहू रोकते हुए बोलती है, अरे ये अच्छा लग रहा है, ये ले लीजिए ना, महंगा ही आता है। नम्रता और उसकी सास कपड़े लेकर दुकान से बाहर निकलती है और बाजार में चलते चलते वो अपनी बहू से बोलती है, बढ़िया लग रहा है रोमपर तो, अब तो मुझे कब दादी बना रही है, अब तो मीना भी दादी बन गई, मैं कब बनूंगी। चलो मम्मी जी, हम अपनी साड़ियों की शॉपिंग यहाँ से करते हैं, इसके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग यहीं से की थी। अच्छा, बहुत सुंदर थी तेरी साड़ी, फिर तो यहीं से लेनी पड़ेगी। नम्रता और कृष्णा दुकान में चले जाते हैं और दुकानदार से अपने अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ निकलवाते हैं। दुकानदार निकाल कर साड़ियाँ दिखाता रहता है, लेकिन सारी साड़ियाँ देखकर दोनों सास बहू भी मना करती रहती है। इस बार नम्रता की नजर डमी ने जो साड़ी पहनी थी उस पर जाती है और वो बोलती है, भैया ये वाली साड़ी दिखाना जरा। हाँ हाँ यही वाली, अच्छी लग रही है। साड़ी तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए भी ये निकाल दो भैया। माता जी, ये हमारे पास एक ही साड़ी बची थी। अरे ऐसे कैसे, सही से देखो, मिल जाएगी। माता जी, ये साड़ी के पीस 4 आते हैं, जिसमें से ये लास्ट पीस है। इसके पैसे बता कितने की है? 5000 की है माता जी। अच्छा, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? आपके लिए लास्ट 4500 लगा रहा हूँ। ना ना, ये तो बहुत ज्यादा है, 4000 ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी, देना है तो दे, और साड़ी दिखा दे ऐसी ही बढ़िया सी मेरी बहू के लिए भी। नहीं मम्मी जी, मुझे यही साड़ी पसंद है, मैं यही लूंगी। बेटा तू दूसरी देख ले, मुझे भी यही अच्छी लग रही है। मम्मी जी ये साड़ी मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, मैं लूंगी तो यही साड़ी लूंगी, आप अपने लिए दूसरी साड़ी देख लीजिए। भूल मत, पैसे कम मैंने करवाए हैं, मैंने भी साड़ी पसंद करी है। नम्रता और कृष्णा के बीच बहस चल रही होती है और नम्रता साड़ी उठा लेती है, उसके हाथ में से कृष्णा साड़ी खींचती है और दोनों साड़ी के एक एक कोने पकड़कर खींच रही होती है कि तभी साड़ी फट जाती है और दुकानदार बोलता है, अरे मेरी दुकान के आगे भीड़ मत लगाओ, इसके पैसे दो और अपने घर जाओ। तभी कृष्णा फटी साड़ी देखकर छोड़ देती है। दुकानदार जिद करके दोनों से पैसे मांगता है
तभी नम्रता बोलती है, देखिए आपकी वजह से ये साड़ी फट गई, अब कैसे पहनेंगे इसे और इसके पैसे भी भरने पड़ेंगे। मैं क्यों भरूंगी, तू भी तो खींच रही थी इसे। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है आप दोनों ने, अगर आपकी लड़ाई खत्म हो गई हो तो मुझे मेरे पैसे दो और मेरी दुकान खाली करो। नम्रता दुकानदार को पैसे देती है और फटी हुई साड़ी लेकर घर आती है। शाम को जब कुणाल घर आता है तो नम्रता और उसकी माँ मुंह फुलाए अलग अलग बैठी होती है। कुणाल दोनों को मुंह फुलाए देखता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा उतरा लग रहा है, कोई बात है जो दोनों चुप चुप नजर आ रही हो। कृष्णा वहाँ से चली जाती है। इतने में कुणाल नम्रता से पूछता है और नम्रता कुणाल को बताती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मम्मी जी से मेरी लड़ाई हो गई। ऐसी क्या बात हो गई जो दोनों की लड़ाई हो गई? हम दोनों को एक ही दुकान पर एक ही साड़ी पसंद आई और वो भी फट गई मम्मी जी की वजह से। दोनों की एक ही पसंद है फिर भी लड़ाई हुई, जरूरी थोड़ी है दोनों एक ही साड़ी के लिए लड़ो, तुम कुछ और पहन लेती, अब ऐसा करो उसका सूट सिलवा लो। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, आज ही मैं उस साड़ी का सूट बनवा लेती हूँ। नम्रता उस फटी हुई साड़ी को लेकर जाती है, तभी उसकी सास उसे बाहर जाता देखकर टोकते हुए बोलती है, रुक बहू, मुझे भी वो साड़ी का कपड़ा बहुत पसंद है, मैं भी सूट सिलवा लेती हूँ। क्या मम्मी जी, आप सेम टू सेम मेरे जैसे कपड़े पहन के जाएंगी क्या, आप कुछ और पहन लीजिए। मुझे वही पसंद है, मैं भी उसका सूट सिलवा कर पहन कर जाऊंगी, और इसमें मेरी क्या गलती कि हम दोनों की पसंद एक ही है। तो आप एक काम कीजिए, आप इस साड़ी का सूट सिलवा लीजिए, मैं अपनी कोई दूसरी साड़ी पहन कर चलती हूँ, ना तो हम सेम कपड़े पहनेंगे ना ही हमारी लड़ाई होगी, क्यों है ना बढ़िया आइडिया। हाँ बहू बढ़िया आइडिया है, तू तो हर कपड़ों में सुंदर दिखती है, तुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है, तो कुछ भी पहन ले सब बढ़िया लगेगा। कृष्णा और उसकी बहू जाने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर लेती है, दोनों अलग अलग कपड़े पहन कर आती है और कुआं पूजन में जाने के लिए साथ में घर से निकलती है। कृष्णा और नम्रता की एक पसंद की बहस खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।